हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन हेबर साइकिल। तो बॉन हेबर साइकिल में आई थिंक सो उसने बताया था कि लैटिस एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सो बच्चे लोग दैट इज व्हाट इज इट ओवर हियर, वो बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, शायद ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि गैसेस पार्टिकल आसानी से मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसने लैटिस एंथैल्पी इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी मतलब पार्टिकल गैस में जाके आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, मतलब आयोनिक सब्सटेंस की एंथैल्पी भी शायद वो गैस में जाके एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहा होगा। तो अब बच्चे लोग इसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लेट अस सी, कंसीडर the formation of NaCl। हम लोग NaCl का formation लेते हैं, तो Na जो होता है वो solid form में होता है, ठीक है, plus half Cl to gas give rise to NaCl solid delta H, that is formation, H is equal to डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू -411 किलो जूल। फॉर्मेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने इसके पहले लिया था, एक पार्टिकल बनना चाहिए, वन मोल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। देखो देख सकते हो सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में, उसी के स्टेट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को ये NaCl बना कैसे होगा, फिर से एक बार उसने क्या बोला है, शायद दैट इज पार्टिकल गैस फॉर्म में आसानी से मिक्स होते हैं, मतलब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ गैस फॉर्म में मिक्स होने की कोशिश कर रहे, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, वो उसने यहां पे निकाल के दिखाई। तो यहां पर इट टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स में सोडियम सॉलिड है, ये गया गैस में, सोडियम गया गैस में, तो इसका मतलब सॉलिड से गैस में जा रहा है, मतलब वो हो रहा है सब्लिमेशन, तो डेल्टा सब्लिमेशन एच इज इक्वल टू 109 किलो जूल। अब यहां पर जैसे ही गैस में गया उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, Na गैस यूरिस टू Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 496 किलो जूल। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, देखो ये गैस में आ चुका है, इससे बराबर से करना है हाफ सीएल टू, ये मॉलिक्यूल है, इसे मैंने एटम में कन्वर्ट किया, देखो मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट किया, मतलब डेल्टा एटमाइजेशन एच इज इक्वल टू 122 किलो जूल। डेल्टा एटमाइजेशन, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी ना निकालने के लिए, लेने के लिए, समथिंग इन दैट मैनर, सही है। उसके बाद क्लोरीन गैस फॉर्म में आ चुका है और ये अभी इलेक्ट्रॉन लेगा, सही है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा Cl- गैस हो गया, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू -348 किलो जूल, सही है। अब मैं क्या देख रहा हूं भाई, Na प्लस पॉजिटिव आयन देख सकते हो और नेगेटिव आयन दोनों भी गैस में आ चुके हैं, कौन से फॉर्म में आ चुके हैं, गैसियस फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे, तो Na प्लस इन गैसियस फॉर्म प्लस Cl माइनस इन गैसियस फॉर्म बन जाएगा NaCl इन सॉलिड फॉर्म, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी जिसे बोलते हैं हमें निकालना है।
इसने क्या बोला था? मैंने बोला बोनेवस के पार्टिकल गैस में आसानी से मिक्स होते हैं, मतलब सोडियम और क्लोरीन आयन्स फॉर्म में, गैस फॉर्म में जाके मिक्स हो रहे होंगे, जिसे लैटिस एंथैल्पी, और शायद उसी के ऊपर से उसने ये आंसर निकाला होगा लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू, दैट इज बाई यूजिंग इसके पहले का हेस लॉ। देखो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन करता हूं तो मेरा यहाँ पे एन ए गैस कैंसिल हो जाएगा, सही है बच्चे लोग, ठीक है, एन ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, सी एल गैस कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, सी एल माइनस कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आर द रिमेनिंग पार्टिकल्स लेफ्ट ओवर हियर, एन ए इन सॉलिड फॉर्म प्लस हाफ सी एल टू इन गैशियस फॉर्म गिव रेज टू एन ए सी एल सॉलिड एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी, ये है तुम्हारा फॉर्मेशन, देख सकते हो राइट, डेल्टा फॉर्मेशन एच इज इक्वल टू, सबका टोटल करके फॉर्मेशन बनाया है, सही है, सबका टोटल मतलब डेल्टा सब्लिमेशन एच प्लस डेल्टा आयोनाइजेशन एच प्लस डेल्टा एटोमाइजेशन एच प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एच प्लस डेल्टा लैटिस एंथैल्पी, राइट, डेल्टा फॉर्मेशन इसी को, इन सबका टोटल करके ये फॉर्मेशन बनाया है, तो टोटल सब्लिमेशन आयोनाइजेशन एटोमाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी का एडिशन। अब इन सब का वैल्यू ये रहा, मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन करता हूं, फॉर्मेशन का वैल्यू -411, सब्लिमेशन का वैल्यू 109, आयोनाइजेशन का वैल्यू 496, एटोमाइजेशन का वैल्यू 122, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू -348 प्लस डेल्टा लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी, सही है, ओके। तो मैं अगर इनका टैली कर रहा हूं तो ये माइनस यहां पे आएगा, प्लस होने वाला है, और ये प्लस यहां पे आने वाला है, माइनस होने, आराम से इसे करते हैं, दैट इज 109 496 122, 9 प्लस 6 इज 15, 16, 17, सही है ना, वैल्यूज कुछ गड़बड़ नहीं लिखा है ना बच्चे, देख लेते हैं एक बार, रीचेक करते हैं, 496, 122, 348, सही है, 10, 12, 4, 5, 6, 7, इसमें से 348 अगर माइनस करूं, तो 17 माइनस 8 इज 9, 12 माइनस 5 इज 7, 7 माइनस 4 इज 3, 379, दैट इज प्लस, माइनस 411 इज इक्वल टू प्लस 379 प्लस डेल्टा लैटिस एंथैल्पी, तो डेल्टा लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस 411 माइनस 379, सही है बच्चे लोग, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 प्लस 9 इज 10, 1 कैरी हुआ, 2 प्लस 7 इज 9, 4 प्लस 3 इज 7, माइनस 790 आंसर आना चाहिए, राइट बच्चे लोग, किलो जूल्स, ओके, माइनस 790, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू स्टूडेंट्स।